वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार दो दिनों के खेल में पिछड़ने के बाद जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत को उम्मीद यही थी कि यहां से उनके बल्लेबाज कम से कम तीसरे दिन का पूरा खेल सकें, ताकि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में हार का स्वाद ना चखा सके तो कम से कम टेस्ट के इतने बड़े मुकाबले को ड्रॉ करवाने में सफल हो सके। लेकिन भारत ऐसा कुछ करने में पहले ही सेशन में विफल रहा। तो कैसा रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट के तीसरे दिन का पहला सेशन, आइए बताते हैं आपको। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार पिछड़ते भारतीय टीम तीसरे दिन मैदान पर उतरी तो उनके ऊपर सबसे बड़ा जवाब यही था कि पैसे देकर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के स्कोर में इतने पास ले जाया जा सके ताकि भारतीय टीम को फॉलो ऑन का खतरा ना रहे। मगर ऐसा करने में भारतीय टीम दूसरे दिन के पहले सेशन में शुरुआती कुछ ओवर में तो बिल्कुल ही नाकाम साबित होती नजर आ रही थी। आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल शुरू करने के लिए मैदान पर आई, वैसे ही उनके बल्लेबाजी क्रम के आखिरी बल्लेबाज भरत बोलैंड के एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट गए, जिसके बाद भारतीय प्रशंसकों के मन में एक बार फिर से हार के डर ने घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सबको हैरान करते हुए शार्दुल ठाकुर ने भारतीय प्रशंसकों के इस डर को खत्म किया और अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर भारतीय पारी को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। आपको बता दें कि इसी दौरान दूसरे दिन से ही अच्छी लय में दिख रहे अजिंक्य रहाणे ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की शुरुआत की। इसका नतीजा रहा कि एक समय जो भारत स्कोर 150 तक भी पहुंचने में नाकाम लग रहा था, वो बड़ी आसानी से पहले सेशन के अंत तक 230 रनों तक पहुंच गया। यहां से भारतीय टीम को मात्र 30 रनों की आवश्यकता थी जिससे कि वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए जाने वाले फॉलो ऑन से बच सके। आपको बता दें कि दूसरे दिन के दूसरे सेशन में एक घंटे को छोड़ दें तो एक बार फिर से भारतीय टीम इस मुकाबले में कमबैक करने के लिए हाथ पांव मारती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहले सेशन का एक आधा घंटा खत्म होने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे देखकर लगता है साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय टीम यहां से डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर बल्लेबाजी करने को मिलेगी। इसी का नतीजा था कि जैसे ही रैना ने अपना अर्धशतक पूरा किया, वैसे ही यहां से दोनों ही बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर धोना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि तीसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। बात करें इस मुकाबले के पहले दो दिन की, तो पहले दिन लगातार खराब गेंदबाजी की वजह से बैकफुट पर आ चुकी भारतीय टीम को दूसरे दिन उनके गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी अच्छी गेंदबाजी की बदौलत वापस मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया और दूसरे दिन मात्र 142 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के सात खिलाड़ियों को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दीजिए भारतीय गेंदबाजों ने यह कारनामा बस पहले सेशन और दूसरे सेशन के एक घंटे में ही करके दिखाया है, जिसके बाद फिर बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाजों ने एक बार फिर से सबको निराश किया और भारतीय टीम को एक बार फिर से बैकफुट पर लाकर धकेल दिया, जहां पर यहां से दूसरे दिन का सेशन खत्म होने तक रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे में मिलकर एक बार फिर से बहस हुई और कामयाबी दर्ज की। मगर वापस रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक से दो रनों से रह गए और 48 रन के स्कोर पर नॉर्थन लियोन ने उनको स्लिप में खड़े स्मिथ के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद भारतीय टीम का इस मुकाबले में वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर जिस तरह से पहले सेशन में तीसरे दिन के पहले सेशन में रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी की, उसे देखकर भारतीय फैंस के मनों में ये उम्मीद जागी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को कम से कम ड्रॉ करने में कामयाब हो सकेगी। आपकी क्या राय है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने या फिर ड्रॉ करने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।